आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवराड़ी। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घरेलू विधि से कैसे शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनाई जा सकती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। तो आइए मैं आपको एक एक करके सामग्री दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होती है चॉप प्याज, साथ में हमें चाहिए होते हैं चॉप टमाटो, साथ में शिमला मिर्च बारीक काट लेनी चाहिए, साथ में अदरक और लहसुन को भी बारीक चॉप कर लेना चाहिए, और साथ में हमें चाहिए हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेना चाहिए, और साथ में यदि आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया बहुत ज़रूरी होता है पनीर की सब्जी के लिए, हरे धनिया को भी बारीक चॉप कर लें। और लास्ट में हमें चाहिए होता है पनीर, और पनीर को क्यूब साइज में काट लेना चाहिए। देखो, बहुत इक्वल साइज होना चाहिए पनीर का। तो अब नाप इधर, ये है हमारी कढ़ाई। पनीर की सब्जी बनाते वक्त ध्यान ये रखें कि जो कढ़ाई है उसका तला काफ़ी मोटा होना चाहिए, हाई बॉटम होना चाहिए, ताकि आप जब प्याज टमाटर को भुनेंगे तो उस समय जो प्याज और टमाटर है वो जल्दी से जलना नहीं चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पैन है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे तेल, तो कुकिंग ऑयल। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी आप इसमें उपयोग में ला सकते हैं, या आप चाहें तो यदि आप और अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ लोग राइस ऑयल का भी उपयोग करते हैं, तो आपके पास जो तेल उपलब्ध हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे आपका तेल गर्म हो जाता है तो आप इसमें सबसे पहले जीरे का तड़का लगा दें, जीरा डालते हैं, और जीरे को तब तक भूनते रहिए जब तक जीरा ब्राउन नहीं हो जाता है। तो जो जीरा है, जीरा अब ब्राउन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। अब हम इसमें कटी हुई अदरक और लहसुन को मिला देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। जब अदरक और लहसुन भी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें चॉप प्याज मिला देंगे। तो अदरक और लहसुन हो चुकी है ब्राउन, तो अब हम इसमें मिला देते हैं कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है। तो धीरे धीरे प्याज सुनहरी होने लगी है। जैसे आपकी प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद आप इसमें टमाटो मिला सकते हैं। तो साथियों, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, और प्याज को ब्राउन होने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो अब प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसमें मिला देंगे आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर यानी रेड चिल्ली पाउडर, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे जो प्याज का कलर है वो और भी सुनहरा हो जाता है। आप चाहें तो इसमें देगी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं, या कश्मीरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। उससे जो आपका खाना होता है, जो सब्जी होता है, उसका जो कलर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी काफ़ी हो जाता है। तो प्याज अब ब्राउन हो चुकी है, तो हमारे पास जो कटी हुई टमाटर है, अब टमाटर को भी इसमें मिला देते हैं और इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो अब प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद 10 से 15 मिनट टमाटरों को अच्छे से पकने दें। और जैसे ही आपके टमाटर पक जाएंगे उसके बाद उसमें अपने स्वाद अनुसार मसाले मिला लें। जब टमाटर पककर तैयार हो जाएगी तो मसाला कैसे मिलाना है मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। आपने देखा 5 से 7 मिनट के अंदर जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया है और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार मसाला मिलाएंगे। इंडियन मसाला जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च और भी मसाले जो आपके पास उपलब्ध हो आप अपने स्वाद अनुसार उन्हें मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने मसाले
इसमें डाल दिए हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे उसमें। उसके बाद हम इसमें पानी मिला देंगे। साथियों कोशिश से कीजिए, जब आप अपने किचन में खाना बना रहे हो तो जो आपका खाना होता है उसमें गर्म पानी मिलाएं। गर्म पानी से खाने का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप जब खाने में ठंडा पानी मिलाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है। तो साथियों आप देख रहे होंगे मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें गर्म पानी मिला देंगे। गर्म पानी अपने हिसाब से मिलाएं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए और कितनी गाढ़ी और पतली ग्रेवी आपको चाहिए। साथियों हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट के अंदर में शिमला मिर्च अच्छे से पक जाती है। अच्छे से मिक्स हो गया है, 3 से 4 मिनट शिमला मिर्च को इसमें पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर मिला देंगे। तो साथियों शिमला मिर्च भी पक चुकी है, अब फाइनली इसमें पनीर मिलाने की बारी आ चुकी है। तो अब हम इसमें कटी हुई पनीर को मिला देंगे। से मिक्स कर लेते हैं और पनीर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 से 4 मिनट के अंदर पनीर पककर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे ऐसे इसकी ऐसे सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, ड्राई सब्जी जिसको कहते हैं, और इसे हल्का लटपटा भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ग्रेवीदार भी बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो साथियों मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं मिलाया है, नमक हम लास्ट में मिलाते हैं अपने स्वाद के अनुसार, ताकि नमक खाने में ज़्यादा ना हो। तो फाइनली सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, तो अब समय आ गया है कि इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। हमेशा कोशिश कीजिए टीस्पून से नमक डालिए, और नमक पहले कम रखें, उसके बाद स्वाद अनुसार आप नमक और मिला सकते हैं। अगर खाने में एक बार नमक ज़्यादा चले जाए तो खाने का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। अब नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हमने नमक भी अच्छे से मिला लिया है, और अब फाइनली बारी आ गई है, पनीर पककर तैयार हो चुका है। इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और यदि आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीजन हरे धनिए का नहीं है, तो हमारे पास हरा धनिया उपलब्ध नहीं है, तो आपके पास से तो आप मिला सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिला दें, तो जो पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसे ही लटपटा भी बना सकते हैं, और चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी भी मिला सकते हैं। तो ये थी शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनाने की घरेलू विधि। आई होप कि ये विधि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी घरेलू खाने की विधियाँ हम आपको आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।